अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको शलवार की स्टिचिंग का मेथड सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हमने ये जो पल्ली डाली थी इसके अंदर, इसको आप जो है अटैच करने के लिए, मोस्टली जो है लोग भूल जाते हैं इसको उलट इस तरह अटैच कर देते हैं। अगर इस तरह ये अटैच हो जाए तो सब कुछ ख़राब हो जाता है, इसकी शेप भी सही नहीं आती और हमें गलती भी समझ नहीं आती कि कहाँ गलती है। आपने सबसे पहले इसको सही अटैच करने के लिए आप इसके ऊपर निशान लगा लें, चौक से चारों जो तो पैनल हैं ये आपने कट किए हुए हैं, चारों पे निशान लगा लें। निशान वाली साइड आपने शलवार के साथ अटैच करनी है ताकि आपको याद रहे, और जो दूसरी साइड है वो दूसरी साइड तरफ रखनी है। चलें अब हम देखते हैं। अब आपने ये 1 इंच की पट्टी काट लेनी है, इसके पांचे की लेंथ के साइज़ की, जितनी भी आपके पांचे की लेंथ है इस साइज़ की आपने लेंथ इसकी रखनी है, और चौड़ाई इसकी आपने 1 इंच रखनी है तकरीबन। और अब आपने इसको इसकी शलवार की बैक अंदर वाली साइड पे अटैच करना है। ये तो सेम ही है, ये फैब्रिक मेरे पास जो है दोनों साइड से सेम है, लेकिन अगर आपके पास प्रिंटेड है या कलर्ड है तो आपने देखना है कि जो शलवार की अंदर वाली साइड है उस तरफ आपने अटैच करनी है ये पट्टी, फ्रंट साइड पे बाहर वाली साइड पे अटैच नहीं करनी। अब मैंने चूंकि ये शलवार लंबी रखी थी, अंदर से ही मैंने कपड़ा ये फोल्ड करना था। अगर आपने लंबी रखी है अंदर से ही फोल्ड करना है तो फिर उसके लिए ये मेथड है। अगर आपने अलग पट्टी लगानी है तो उसके लिए फिर अपना आप सिर्फ 1/2 इंच छोड़कर इसको प्रेस से अटैच कर देंगे। तो मैंने चूंकि इसके अंदर से ही कपड़ा फोल्ड करना है तो इसके लिए मैं तकरीबन ये पट्टी के, देखें चिप्स बुकरम जो होती है इसकी एक साइड चमकदार होती है और दूसरी जो होती है वो प्लेन होती है। जो चमकदार साइड है ये आपने ऊपर रखनी है, ऊपर रख के तकरीबन 1/2 इंच जो है आपने इधर से कपड़ा छोड़ देना है, 1/2 इंच का ये रख ली है आपने। अब आपने इसको दोबारा ऐसे पलटना है, इस तरफ को पलट कर आपने अब प्रेस कर देना है ऊपर से। अब आपने इस कपड़े को भी फोल्ड करके साथ साथ इसको प्रेस लगा लेनी है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था 1/2 इंच हमने छोड़ा, इसको हमने यूं अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ऐसे सारा अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से हमने इसको प्रेस से ठीक कर लेना है, ऐसे ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। अच्छी प्रेसिंग के लिए आपको दोनों साइड से इधर शावर कर लें हल्का हल्का, तो आपकी प्रेसिंग बहुत अच्छी आएगी, नीटनेस आएगी। अब हम इसको अटैच करते हैं। इसके लिए अब आप देखेंगे कि ये जो पट्टी वाली साइड है यही आप ऊपर रखेंगे, ये ना हो कि हमने पट्टी जिस साइड पे चिपकाई हुई है आप इधर से उल्टी साइड पर इसको अटैच कर लें, ये आपने ख्याल रखना है ये करते वक्त। यहाँ से हमने ये नेफा वाली साइड से अटैच करना स्टार्ट नहीं कर रहे, इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उधर से हमने तकरीबन 2 इंचज़ का जो है वो छोड़ा था मार्जिन, इधर से ऊपर नीचे ना हो जाए। अब ये देखें जो निशान वाली साइड थी ये हम अटैच करेंगे इधर से ऐसे रखकर। ऐसे ही आपने ये चारों पैनल जो हैं वो अटैच कर लेने हैं सब। ये देखिए ख्याल रखते रहें कि किस साइड पे हैं ये चारों, हमारे पैनल रेडी हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। अब हमने शलवार के दोनों पाइचों को आपस में अटैच करना है, ये ख्याल रहे कि दोनों पाइचे आपस में एक एक करके ना अटैच कर दें, एक का एक साइड पकड़ के और दूसरे की दूसरी साइड पकड़ के पाइचे की वो आपस में अटैच करनी है। मेरी एक फ्रेंड थी उसने सलवार स्टिच कर रही थी तो दोनों पाइचों को आपस में, एक पाइचों को पकड़ के आपस में अटैच कर दिया, दूसरे को जब पता चला तो वो अलग अलग अटैच हो चुके थे। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, दोनों पाइचों के अपोजिट दोनों साइड्स को पकड़ के एक पाइचे की एक साइड को और दूसरे पाइचे की दूसरी साइड को पकड़ के अटैच करना है, ऐसे ही फिर दोनों साइड से अटैच करना है तो आपकी शलवार जो है वो अटैच हो जाएगी। अब आपने पाइचों के नीचे सिलाई लगानी है, ये प्रेस से बहुत हमारा काम आसान हो जाता है, इससे बस आपने सिलाई लगानी है। हो सकता है कि आपकी फर्स्ट टाइम सिलाई जो है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन आप
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्टिचिंग में, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस से नीटनेस भी आती है और सीख भी पाता है इंसान। दूसरी साइड से भी आपने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। नीचे जो है चिप्स बुकरम वो भी खुद ही अटैच हो जाएगी। बहुत जल्दी शलवार इस तरह की रेडी हो जाती है। अब घर में इसको रेडी करें तो अब आपने दोनों पांचों को आपस में मिला के पहले अंदाज़ा लगा लेना है कि ये दरमियान वाली जो हमारी सिलाई है ये बिल्कुल सही आ रही है। अगर इसमें फ़र्क आ रहा है तो यहाँ से आप पकड़ के सिलाई लगा लेंगे और ज़्यादा, अगर आपस में सही नहीं है, इक्वल नहीं है तो, क्योंकि इससे फिर सलवार की शेप सही नहीं आती। अब आप इसकी सिलाई लगाते हैं, देखें ऊपर और नीचे की सिलाइयाँ बिल्कुल सेम है जो हमने पैनल जोड़े हैं उसकी, और अगर आगे पीछे होंगी तो पहले हम उसको सही करेंगे। बेहतर है कि आप दो सिलाइयाँ लगाएं अपनी शलवार के नीचे। ये हमारी शलवार रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारा मेथड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नीचे लाइक के बटन को भी दबाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।